हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। मैं अभिनव सिंह राठौर, जैसा कि मैंने वादा करा था, आज आपके साथ आया हूं एक नए वीडियो के साथ। यहां पे बात करेंगे हम महाजनपद पीरियड के बारे में और देखेंगे हम कौन कौन से टाइप के एमसीक्यू हमारे सामने आ सकते हैं। यहाँ साथ साथ आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है जो ऑफकोर्स बात है हमने क्या करी थी, वहां पे स्किप कर दी थी, वहां पे नहीं पढ़ी थी बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस की भाई इतनी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे या आपके कोर्स के हिसाब से, नाइन्थ के हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहां मिल सकती है, तो पेन पेंसिल पेपर जरूर लेके बैठिएगा। चलिए चालू करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बाद में हम बात करते हैं अलेक्जेंडर के बारे में कि भाई कौन सा ऐसा किंग था जिसने किसको अपोज करा था, अलेक्जेंडर को। चलिए देखते हैं, नीचे से चंद्रगुप्त उठाते हैं। तो चंद्रगुप्त किसके टाइम पे समकालीन थे या किसके टाइम पे कंटेम्पररी थे, तो सेल्यूकस निकेटर। तो ये ऑप्शन तो ऑफकोर्स ही बात है गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं धनानंद के बारे में, तो यस धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर ने अटैक जरूर करा था, बट धनानंद से अलेक्जेंडर कभी लड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी आर्मी ने ब्यास रिवर क्रॉस करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो धनानंद भी क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि भाई अंबी और पोरस, हाँ सर ये दो बैटल जरूर हुए थे जब हमने देखे थे कि भाई अंबी का भी बैटल हुआ था और पोरस का भी था, बट जब ने अंबी की बात करी थी तो अंबी ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। सीधी सीधी कहानी थी भाई साहब, अंबी ने कहा कि भैया हम आपसे नहीं लड़ सकते, आप तो हमारा राज्य वैसे ले लो। तो जाहिर सी बात है कौन चले गया, अंबी चले गया। पोरस की बात करते हैं, द बैटल ऑफ हाइडफिस की बात करते हैं, द बैटल ऑफ वितास्ता की बात करते हैं या फिर बैटल ऑफ झेलम, तीनों एक ही चीज है, झेलम के ही नाम है अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे। तो यस इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपका पोरस होना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या है, तो ऑफ कोर्स इट इज पोरस, आंसर क्या है आपका पोरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार की बात करते हैं तो एंशिएंट नेम किसका था कि भाई नॉर्थ बिहार में देख, चलिए इसकी बात करते हैं। अवंती आपके एमपी में आता था, वत्स जो था आपके कहीं ना कहीं कहां आता था, वत्स एमपी और यूपी बुंदेलखंड वाला एरिया जो हमने बताया था उस टाइम पे वहां आता था। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, वज्जी होना चाहिए। वज्जी एक गणराज्य ऐसा हुआ करता था जो नॉर्दर्न बिहार में आता था, आपके नेपाल से टच होता था। तो देखते हैं आंसर क्या है, तो ऑफ कोर्स इट इज वज्जी। चलिए आगे देखते हैं, हम याद करिएगा ये मैप पर के जो क्वेश्चंस है ना वो ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, मैप नहीं दिया जाएगा, बेसिकली क्या किया जाएगा, मैप पर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम, भाई साहब मगध किंगडम की सबसे पुरानी कैपिटल क्या थी, देखते हैं। आज के वाराणसी तो कैपिटल ही नहीं थी, ठीक है। वैशाली किसकी थी, वैशाली भी कैपिटल नहीं थी। हाँ राजगिरा हो सकती है, पाटलिपुत्र हो सकती है। पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र किसने करी थी, वो उदयन ने करी थी, बाद में करी थी, बट उससे पहले देखा जाए तो राजगिरा सबसे इनिशियल कैपिटल हुआ करती थी मगध की। तो देखते हैं आंसर क्या है, ऑफ कोर्स इट इज राजगिरा बी। चलिए आगे पढ़ते हैं, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वर द रूलर्स ऑफ मगध, भाई साहब मगध के रूलर कब थे, मगध का रूलर कौन था या कौन थे जब अलेक्जेंडर का यहां पे अटैक हुआ था। चलिए बात करते हैं हरेनक के, हरेनक तो बहुत पहले थे, 400 BC की बात कर रहे हैं। शिशुनाग जो हुआ करते, शिशुनाग कब थे, शिशुनाग ने ही बेसिकली इनको ओवरथ्रो करा था, किसको, हरेनक को करा था। तो ऑफकोर्स शिशुनाग भी नहीं है। नंदा यस हमने कहा देखा था, महापद्मनंद जो था इसका फाउंडर था, और इसके बेटे आखिरी बेटे धनानंद के टाइम पे कौन आया था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इंडिया में। मॉरेंस की बात करें तो मॉरेंस ने किसको फेस ऑफ करा था, सेल्यूकस निकेटर को, ना कि अलेक्जेंडर को। तो ऑफकोर्स आंसर क्या होना चाहिए आपका, नंदा होना चाहिए। नंदा डायनेस्टी थी उस टाइम पे जो क्या कर रही थी, रूल कर रही थी कहां पे, मगध पे। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जो किसके समकालीन था, या किसके टाइम पे प्रेजेंट था, अलेक्जेंडर के टाइम पे प्रेजेंट था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ऑफकोर्स ये बात नहीं था, देखिए उस टाइम पे अलेक्जेंडर तो था, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बट चंद्रगुप्त मौर्य रूलर नहीं थे, ठीक है। चलिए सुकल्प की बात कर, सुकल्प को तो नाम ही हमने नहीं देखा, तो ऑफकोर्स ही बात नहीं होगा। महापद्मानंद जो था, महापद्मानंद भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या था, नंद डायनेस्टी का फाउंडर हुआ करता था और इसके बहुत बाद में अलेक्जेंडर आया था। आंसर क्या है आपका, धनानंद आंसर है, धनानंद आपका आंसर है। वेयर वॉज द सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक, या क्या बात कर रहा है गणराज्य की, ऑफ द वर्ल्ड इन 6th century BC, 6th century BC में जो है सबसे पहला गणराज्य आपका कौन सा था। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, पाटलिपुत्र, भाई देखें पाटलिपुत्र क्या था, मगध का कैपिटल हुआ करता था, ऑफकोर्स ये बता वो कोई गणराज्य नहीं था, वो एक मोनार्कियल स्टेट था।
स्पार्टा की बात करते हैं, ये दो है एथेंस और स्पार्टा जो है आपके यूरोपियन किंगडम्स हुआ करते थे। ऑफकोर्स यहाँ पे भी क्या था, रूल हुआ करता था, क्या था, रूल हुआ करता था। ऑफकोर्स सी बात है ये दोनों भी कैंसिल कर चले गए, मोनार्कल रूल एस्टैब्लिश हुआ करता था। आंसर क्या है आपका, वैशाली। वैशाली जब हमने पढ़ा था तो एक गणराज्य था, ठीक है, तो वैशाली इसका क्या है आंसर होना चाहिए, तो ऑफकोर्स इट इज वैशाली। चलिए आगे देखते हैं, By which ruler पाटलिपुत्र was chosen for the first time as capital? भाई साहब पाटलिपुत्र को सबसे पहले कैपिटल किसने बनाया था, पाटलिपुत्र को सबसे पहले कैपिटल किसने बनाया था भाई, अजातशत्रु, काल अशोक, उदयन या कनिष्क? तो कनिष्क तो बहुत बाद में आते, कनिष्क के बारे में हमने बात करी थी, चौथी बुद्ध संगीति इन्हीं के टाइम पे हुई थी, और कहीं ना कहीं ये क्या थे, ये यहाँ पे इस टाइम पे पाटलिपुत्र के टाइम पे, या आप कह लीजिए पाटलिपुत्र को एस्टैब्लिश करने के टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, तो ये गया। ठीक है, अब बात करते हैं अजातशत्रु, काल अशोक और उदयन की। ठीक है भाई, ऑफ कोर्स ये जो है ये पूरे के पूरे कहां से हैं आपके, अपने मगध एरा से हैं या एंशिएंट मगध एरा से हैं। ठीक है, अजातशत्रु की बात करें तो वो वॉर में इन्वॉल्व था, तो ऑफ कोर्स ये बात है वो अजातशत्रु तो नहीं होगा। आंसर है आपका क्या, उदयन। आंसर क्या है आपका, उदयन। ठीक है, उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र की एस्टैब्लिशमेंट करी थी, कहां पे, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा। सोन और गंगा नदी के जो मुहाने हैं, जहां पे दोनों लगे हुए हैं, वहां पे क्या बसा हुआ है आपका, पाटलिपुत्र। चलिए, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, 16 महाजनपद की सूची कौन सी इनमें से किताब में से अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं, संयुक्त निकाय बिल्कुल नहीं है, चंडोग्य उपनिषद ऑफकोर्स छंदोग्य उपनिषद में नहीं है, अंगोत्तर निकाय, यस अंगोत्तर निकाय में हमें मिलती है, दो किताबें ऐसी हैं अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जहां पे हमको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है 16 महाजनपद का। महाभारत के टाइम पे महाजनपद नहीं हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे। ठीक है, क्या हुआ करते थे महाभारत के टाइम पे, जनपद हुआ करते थे, ना कि महाजनपद हुआ करते। देखिए आंसर क्या है, तो ऑफकोर्स इट इज अंगोत्तर निकाय। चलिए आगे देखते हैं, Which was the first capital of Magad? Magad की सबसे पहली capital कौन सी थी? तो of course गिरिव्रज थी, या यार राजगिरा जिसको नाम दिया जाता है, ये Magad की सबसे पहली capital हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, Who founded पाटलिपुत्र? Of course ये बात है कोई discuss करने की बात नहीं है, पाटलिपुत्र की बात है तो अब क्या है, उदयन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं, बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक, यहां पे किसकी बात हो रही है, रिपब्लिक की बात हो रही, गणराज्य की बात हो रही है, ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली, वैशाली की बात हो रही है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस का क्या है हमारे पास, मौर्य ऑप्शन है, तो मौर्य ऑप्शन ऑफकोर्स क्या था आपका, एक गणराज्य नहीं था, ये एक मोनार्कियल स्टेट था। नंद भी जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो अगेन सेम, गुप्ता भी डायनेस्टी जो थी वो भी अगेन सेम क्या थी, मोनार्कियल थी। तो ऑफकोर्स सीधी सी कहानी यार, ये तीनों क्या है, डायनेस्टी है और ये क्या है, ये मोनार्कियल स्टेट्स हुआ करते थे। तो आंसर क्या होगा आपका, बचा हुआ ऑप्शन डी, लिच्छावी। ठीक है, ऑफ कोर्स ऑप्शन डी लिच्छावी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। चलिए ठीक है, लिस्ट वन से लिस्ट टू करते हैं, इसको हम कर देते हैं ए बी सी डी 1 2 3 4। चलिए अब हमको मैच करना है, ठीक है, यहाँ पे प्रद्योत, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है चंद्र प्रद्योत की। ठीक है, चंद्र प्रद्योत आपको याद करिए, हमने क्या करा था बिंबिसार के टाइम पे पढ़ा था कि भाई चंद्र प्रद्योत की मदद करने के लिए, उनका पांडु रोग या नहीं जॉन्डिस ठीक करने के लिए किसको भेजा था बिंबिसार ने, जीवक को भेजा था। ठीक है, याद है ना, जीवक को भेजा था। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बात है चंद्र प्रद्योत किसका शासक का राज है, तो वो 3 का है, तो A3, तो एक ही ऑप्शन हमको यहां मिलता है सी, तो आंख बंद करके लगा देना, आगे की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जो जिस चीज में आप सबसे वो हो, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जैसे मान लीजिए अजातशत्रु आपको पता है, अजातशत्रु आपने पढ़ा हुआ है, तो आप अजातशत्रु से 1 लगा सकते हो, एंड में देख लीजिए 1 कहां है, यही है, तो क्या करना है, सीधा वही लगाना है। चलिए आंसर सही देखते हैं, तो ऑफकोर्स सी है। विच अर्ली रूलर ऑफ मगध मर्डर्ड हिज फादर टू असेंड द थ्रोन एंड इन टर्न वॉज मर्डर्ड बाई हिज ओन सन। भैया यहाँ पे पितृ हत्या की बात हो रही है, यहाँ पे पितृ हत्या डायनेस्टी की बात हो रही है, वंश की बात हो रही है। तो अब मैंने जैसे ही आपको सबसे पहले जब हम मगध की बात कर रहे थे, मैंने हरियाणक डायनेस्टी के बारे में आपको ये जरूर बताया था कि क्या होता है, यहाँ पे क्या था, बेटे ने अपने पिता को मार दिया और वो अपने थ्रोन एक्सेस कर लिया, फिर उसको भी उसके बेटे ने मार दिया और थ्रोन एक्सेस कर लिया, मतलब यहाँ पे पितृ हत्या वंश है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हरियाणक वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विच अर्ली रूलर ऑफ मगध मर्डर्ड हिज फादर, तो मतलब अजातशत्रु ने किसकी मर्डर करी,
बिंबी सार की मदद करती। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका, बिंबी आजाद शत्रु होना चाहिए। ठीक है, आजाद शत्रु जो थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने अपने फादर की हत्या करी थी। ठीक है, ऑफकोर्स उदय ने भी करी थी बट सबसे पहले आजाद शत्रु ने करी थी। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो यहाँ पे मगधन डायनेस्टीज की बात हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हर्यनक्स जो है सबसे पहले थे। ठीक है, हर्यनक के बाद कौन आए थे, हर्यनक के बाद यहाँ पे कौन आए थे आप बताइए। ऑफकोर्स आपके क्या थे, पहले तो देखिए ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं अपन, 4-1। ठीक है, तो बी। ठीक है, हर्यनक के बाद बेसिकली शिशुनाग आए थे। ठीक है, बट यहाँ पे शिशुनाग नहीं दिया हुआ हमको। ठीक है, तो शिशुनाग के बाद ऑफकोर्स ये बात कौन थे, नंदा हुए थे। नंदा के बाद मौरन आए थे और मौरन के बाद क्या आए थे आपके, शुंग आए थे। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, बी, 4-1-3-2। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। ऑफकोर्स ये बात है भाई, एक ही दक्षिण भारतीय हमने महाजनपद देखा था, अशमक या अशाक। ठीक है, क्या देखा था हमने, अशमक या अशाक। अवंती की बात करें तो ये प्रॉपर उज्जैन वाला एरिया हो जाता है। कंबोज की बात करें तो ये नॉर्थ में चला जाता है। वत्स की बात करें तो यूपी और एमपी का बुंदेलखंड एरिया। तो आइए आंसर देखते क्या है, अशाक या अशमक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। भाई साहब बिल्कुल आंख लगा के करना, महापद्मानंद। क्या है, महापद्मानंद। ठीक है, बिंबिसार जो था वो क्या था आपके, हर्यनक डायनेस्टी का था। ठीक है, आजाद शत्रु जो था वो भी हर्यनक डायनेस्टी से मिलता था, और धनानंद जो था इसका किसका था, पुत्र था, इसका सन हुआ करता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। भाई यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डायनेस्टी का नाम पूछ रहा है। अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे हमने पहले क्वेश्चन पे देख लिया था, धनानंद था जो कि कहाँ पे रूल कर रहा था, नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था। और धनानंद कौन से डायनेस्टी से था, तो आपके नंदा डायनेस्टी था। तो आंसर क्या होगा इसका, नंदा डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द थ्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन चार लोगों में से तीन लोग ऐसे थे जो एक दूसरे के समकालीन थे, एक दूसरे के टाइम पे प्रेजेंट थे, बट चौथा नहीं था। तो देखिए देखते कौन कौन। ठीक है, बिंबिसार। ठीक है भाई, बिंबिसार जो है, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते बुद्धा। तो बिंबिसार और बुद्धा के बीच में हमको किसका रिलेशन मिलता है, तो जीवक के रिलेशन मिलता है कि भाई जो जीवक था वो कहीं ना कहीं रॉयल फिजिशियन हुआ करता था और वो गौतम बुद्ध का पर्सनल फिजिशियन भी हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब जीवक अलाइव है इन दोनों के टाइम पे, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सी और डी की, मिलिंद की बात करते हैं। मिलिंद का नाम हमको कहां मिलता है, हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, किसमें मिलता है, मिलिंद पन्हो, जहां नागार्जुन नागसेन की कन्वर्सेशन होती है मिनांडर से, और मिनांडर को हिंदी में क्या बोला गया, मिलिंद बोला गया। तो भाई बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो चलिए इसको एक बार साइड में रखते जरूर है। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं हम क्या है, प्रसेनजीत। तो भाई प्रसेनजीत जो था, प्रसेनजीत का दामाद कौन था आपका, बिंबिसार हुआ करता था। बिंबिसार ने जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप थे उनमें प्रसेनजीत के भी इंक्लूड थे। तो ऑफकोर्स ये बात है भाई, ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है ये समकालीन हुआ करते थे। बचा क्या, मिलिंद बचा, तो ऑफकोर्स मिलिंद जो है समकालीन नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, सी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है आपका, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तक्षशिला की बात हो रही है यहाँ पे, गांधार की बात हो रही है, आउट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो चलिए मैप देखते हैं अपन, मैप बनाने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, अब चलिए अपन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमको इंडस के बारे में बात करनी है, इंडस और उसकी पांच ट्रिब्यूटरीज की बात करनी। तो चलिए इंडस और पांच ट्रिब्यूटरी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगी। तो थोड़ा यहां से आगे जाएंगे तो बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, खैर इसलिए मानसरोवर लेक से आपकी कहां निकलती है, इंडस निकलती है, और वो थोड़ी ऐसे जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं झेलम के बारे में, बात करते हैं तो झेलम भी यहीं से निकलती है और ऐसे बाउंड्री घूमती हुई आगे जाती है। झेलम के बाद आती है आपकी चेनाब, चेनाब जो है उसके बिल्कुल नीचे, फिर रावी। ठीक है, और फाइनली आपकी वहीं से मानसरोवर के पास से क्या निकलती है आपकी, सतलज निकलती है। ठीक है, और इंडिया में एक और रिवर निकलती है आपकी क्या, ब्यास रिवर, जो कि कहां मिलती है,
आपके सतलज में ही मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो ये क्या बोला, रावी और ब्यास। अब रावी और ब्यास की बात करते हैं तो रावी ब्यास तो आपस में मिलती नहीं है, क्या मिलती है, ब्यास और सतलज आपस में मिलती है और ये इंडिया में है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा काट दो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेनाब और रावी की, मतलब चेनाब और रावी की बात होती तो हमको पता था कि ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर तक्षशिला एरिया है ये आपके अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे हमको एक दो रिवर ही मिलती है देखने के लिए जो कि पॉसिबल आउटकम हो सकता है, क्या, एक तो आपका इंडस और झेलम, ठीक है। इंडस झेलम आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन है, क्या है, इंडस और झेलम, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर होगा क्या, तो ऑफकोर्स इंडस और झेलम क्या है आपका आंसर है। तो ऐसे बिल्कुल मैप से तैयार रखिएगा, बेसिकली आपको क्या करना है, महाजनपद पीरियड और जो आपकी साइट्स हुआ करती थी इंडस वाली सिविलाइजेशन की, उनको आपको ऐसे मैप के थ्रू याद रखना है कि भाई ये रिवर्स हैं, कहाँ पोजीशन हुआ करती थी, कहाँ नहीं हुआ करती। यहाँ पे हड़प्पा आ गई, यहाँ पे आपकी मोहनजोदड़ो आ गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये भी कौन कौन सी बैंक्स के किनारे पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम विद अलेक्जेंडर टू इंडिया, अलेक्जेंडर के साथ इंडिया कौन नहीं आया था। तो देखते हैं बेसिकली क्या था कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत हाई लेवल का आ जाता है जब हम बहुत डीप स्टडी करते हैं अबाउट अलेक्जेंडर, बट हमको इतना डीप स्टडी अलेक्जेंडर के बारे में करना नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इनमें से कौन क्या है। नियारकस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमने बात करी थी कि इनके जनरल हुआ करते थे, ठीक है। ऑन स्ट्रेच जो थे एक स्कॉलर हुआ करते थे। एरिस्टोबुलस जो थे इनकी नौसेना के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो डायमाकियस जो था ये क्या था, ये बाद में आया था, अलेक्जेंडर के बाद आया था, एक ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक स्कॉलर है जो कि बाद में आया था, किसके टाइम पे, बिंबिसार के टाइम पे आया था, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, डायमाकियस। तो बेसिकली ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, दिस इज नॉट परफेक्ट, या आप कह लीजिए दिस इज नॉट फुल, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, बट ये स्लाइड या ये वीडियो बेसिकली आपको ये बताने के लिए था कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, मैप क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए हम छोटी सी एक चीज लेकर आए हैं, ठीक है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइट हमारी खुद की magnetbrains.com की। अब अगर आपको YouTube पे जाके पढ़ना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो देखने, और आपको कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ कंटेंट इतना ज्यादा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, YouTube क्लोज करिए, सीधे जाइए नए ब्राउजर पे, खोलिए magnetbrains.com। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और सेम यूजर इंटरफेस आपको भी देखने को मिल जाएगा। खैर बात करते हैं magnetbrains.com की, तो सीधे सीधे magnetbrains.com डालना है आपके सामने, ये एक पूरा का पूरा होम पेज खुल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, आपके सामने पूरा का पूरा होम पेज खुल जाएगा, क्वेश्चन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे जैसे ही आपको इस साइड पे क्या मिलेगा, पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी वेरियस कोर्सेस की, वेरियस टॉपिक्स की, ठीक है। अब आपको ओलंपियाड पढ़ना है, ठीक है, आप ओलंपियाड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे क्लास 10 तो क्लास 9 आएगी। मैं आपको कहाँ मिलूंगा, मैं मिलूंगा आपको क्लास 9 में। तो जैसे क्लास 9 पे आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने सारे टीचर्स वो आ जाएंगे जो आपको ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओलंपियाड क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो सबके नीचे देखिए वॉच नाउ का बटन दिया हुआ है, वॉच नाउ का लिंक दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, जाना है टीचर पे, वॉच नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही वॉच नाउ पे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने खुलेगा जो उसका इंटरफेस थोड़ा ऐसा दिखेगा, कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते से ही आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, उस टीचर की, उस फैकल्टी की, आपको पूरी की पूरी वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी, उसने क्या क्या वीडियो बनाया है, उसको कितने पार्ट्स में दिया है, कितना लेक्चर है, कितने मिनट का वीडियो है, और जैसे ही प्लस पे करेंगे आपको और फर्दर डिटेल पूरी मिल जाएगी, और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, वॉच नाउ का बटन। तो कुछ नहीं करना है, वॉच नाउ कर देना है, और जैसे ही वॉच नाउ करोगे आपके सामने जो यूट्यूब प्लेयर है वो उसी पेज पे खुल जाएगा, आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट बिल्कुल नहीं करा जाएगा, आपको यूट्यूब प्लेयर वहीं का वहीं खुल जाएगा, सेम यूजर इंटरफेस है, यूट्यूब प्लेयर ही है, ऑफकोर्स प्ले पॉज क्वालिटी ऊपर नीचे करना है, स्पीड आगे पीछे करना है, सब चीजें जो है सेम यूट्यूब के जैसे आपको यहीं पे मिल जाएगी। अब अगर आप बोलते हैं कि सर मुझे सब्जेक्ट का पढ़ना है, मुझे ओलंपियाड या मुझे एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव करना पड़ के मुझे सब्जेक्ट का पढ़ना है, कुछ नहीं करना, वापस magnetbrains के होम पेज पे जाना है अपने को, ठीक है। क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए सीबीएसई के आपको यहाँ पे दिए हुए, आप इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम के टैब पे जाइए, हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम के टैब पे जाइए। जैसे ही आप टैब पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप क्लास देख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे केजी से लेके पूरी 12वीं तक की क्लासेस का टैब बने हुए हैं, कुछ नहीं करना, उस पर क्लिक करना है, अगेन ऐसा यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, वेरियस टीचर मिलेंगे, वॉच नाउ पे जाओ, लिस्ट देखो, जो वीडियो देखना है वो देखो, सेम यूट्यूब प्लेयर ऐसे ही खुलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, ये हमारी तरफ से एक एफर्ट था, छोटा सा एफर्ट था आपकी लाइफ और आपकी पढ़ाई थोड़ी और इजी बनाने के लिए, क्या था, आपकी लाइफ और आपकी पढ़ाई थोड़ी क्या
और इजी बना लेते। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, हमने बहुत बात करी है अबाउट वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन की, किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को। हमने एक क्वेश्चन को दो या तीन बार भी देखा है अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मैं मिलने वाले हैं रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, हम बात करेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म के एमसीक्यू पार्ट की, और हम देखेंगे कुछ बहुत बारीक इंफॉर्मेशन जो कि कहीं ना कहीं आके आपके लिए नहीं रहेगी, ठीक है। तो मीन टाइम लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए इस पर्टिकुलर वीडियो को, और हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स स्टे विथ मैग्नेट ब्रेन्स।